वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज शाहीन नगर खुबा कॉलोनी में और जैन कैफे यहाँ का लैंडमार्क लोकेशन है। बहुत ही अच्छी घोड़ी और बहुत कम प्राइस में यानी सस्ती घोड़ी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। मेर है ये घोड़ी है, तो यहाँ के जो ओनर हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैर से भाई, दोपहर का खाना शायद हुआ नहीं आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन, अहमद भाई आपके पास ये जो घोड़ी है क्या एज होंगी इसकी? अप्रॉक्सीमेटली मैं सोचता हूँ 8 ईयर्स ऐसा रहेंगे। 8 ईयर्स के आसपास है और जेन्युइन बतला रहे हैं आप, यानी लोग 8 साल को भी 5 साल 6 साल बतलाए थे लेकिन जो है वो बतला रहे हैं आप। क्या हाइट है इसकी? हाइट देखिए, मैं कल इसकी मेजरमेंट किया था तो 59 कुछ आया। 59 इसकी हाइट है और पैरों में कहीं पर भी कोई ज़ख्म नहीं है, कोई टेंडन नहीं है इसके अंदर, एकदम साफ है। और बच्चे भी लेके फिरते बोले ना आप इसको? हाँ जी। और देखिए, यानी कोई एग्रेशन है ही नहीं इसके अंदर, कहीं पर भी हाथ लगा लीजिए आप, बिल्कुल साफ। थोड़ा एक बार ऐसी वॉक करा के लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए खाली घोड़ी है, गाब नहीं है, अभी पैरों में भी कोई ज़ख्म वगैरह नहीं है, एकदम साफ है। पलटा लीजिए। और नाल दले भी नहीं है, अभी नाल दला लेना है आप लोगों को पैरों में जो नाल आती। चंपी पंचकल्याण है, चंपी घोड़ी है, बहुत खूबसूरत। 59 इसकी हाइट है। कौन सी नस्ल में है? खातियावाड़ में, खातियावाड़ दिख रही। क्या प्राइस में देंगे आप इसको? देवमन भी है इसके अंदर जी, बाल भौरी भी एकदम साफ है। क्या प्राइस रहेगा इसका? 45 एक्सपेक्टेशन है मेरा। आस्किंग प्राइस 45,000। आस्किंग ही 45 है तो और भी कम करेंगे इसका मतलब आप? और स्लाइटली नेगोशिएबल हो सकता है। देखिए स्लाइटली और नेगोशिएबल भी कर देंगे, घोड़ी साफ है, थोड़ी सी कंडीशन कम है। आप लोग डायरेक्टली अच्छा खिला पिला के तैयार कर सकते हैं इस घोड़ी को, राइडिंग वगैरह चालू है इसकी, लेंथ अच्छी है घोड़ी की। जो प्योर हॉर्स रहता वो है, टट्टू खच्चर वगैरह नहीं है। देखिए घोड़ी है और जी अभी हीट में है, यानी अगर चाहे तो कोई मेटिंग भी करवा ले सकते अच्छे घोड़े से, यानी ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी कोई ले सकते। देखिए सिर्फ 45,000 इसका आस्किंग प्राइस है, ये नेगोशिएबल है। जीन वगैरह भी है तो सब दे देंगे आप वही रेट में? अच्छा, यानी ऑफर में है। देखिए सैडल भी है इसका, वो भी बतला दूंगा मैं आप लोगों को। और एक आपके पास दूध वाली गाय है ना? जी। तो चलिए दूध के लिए अगर किसी का रिक्वायरमेंट हो घोड़ी गाय लेने के लिए तो वो भी बतलाऊंगा मैं। जर्सी क्रॉस एक गाय है भाई के पास, जो दूध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है, स्पेशली कुर्बानी के लिए गाय अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। 10 लीटर दूध रनिंग है उसमें, वो बतलाऊंगा मैं। तो क्या क्या है आपके पास सामान इसका? बेल्ट है। अच्छा, ये घुंघरू वाला बेल्ट भी है आपके पास, ये लगाम है और छाप है, ये जीन भी है, यानी कंप्लीट सेडल के साथ में आप पूरे चीज़ें, यानी घोड़ी ख़त्म तो घोड़ी का सामान भी ख़त्म। ठीक, उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेंगे। अब ये सब चीज़ें भी फ्री है देखिए इसके साथ, बहुत कम प्राइस की है, बहुत जल्दी कांटेक्ट करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट में आपके पास शौक के लिए ये वाली एक गाय है और देखिए स्पेशली दूध वाली गाय है। इसका बच्चा भी है साथ? बच्चा मर गया, बच्चा चले गया इसका। अडर बहुत शानदार है देखिए दूध का, रात मारने करने सब कुछ बिल्कुल साफ। कुछ गाय लात मारती लेकिन मैक्सिमम देसी गाय करती वैसा, लेकिन जर्सी नॉर्मल ठंडी जाती है इसकी। और चारों थन है ना इसके? हाँ, चारों थन भी है, टाइट है अभी क्योंकि कुछ ही 1-2 घंटे के अंदर दूध का टाइम हो जाता है। कितना लीटर दूध आ रहा है इसमें पर डे? 10 लीटर आता सुबह पर डे, 10 लीटर सुबह शाम मिला के 10 लीटर दूध की गाय। ये कितने में देंगे आप? 50,000 में देंगे आप? कम कर देंगे इसमें भी? चलिए स्लाइटली नेगोशिएबल कर देंगे। 50,000 है, 10 लीटर दूध रनिंग है इसके अंदर। कितना टाइम हुआ बच्चा देके? ये देखिए 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने ही हो रहा, यानी कम से कम अभी 5-8 महीने तो आराम से आ जाएगा दूध इसका। रमजान में बच्चा गया? नहीं, बच्चा देके कितना टाइम हुआ वो जरूरी था, तो 2-2.5 महीने से बिल्कुल, तो अच्छा खासा लंबे टाइम तक दूध आ जाएगा इसका। 50,000 आसिंग प्राइस है, नेगोशिएबल हो जाएगा। ये भी अच्छी चीज़ है, देखिए जो लोग अपने डेयरी के ऊपर यूज़ करने के लिए शौकीन हो वो लोग ले सकते हैं डायरेक्टली। इसी तरह और बहुत सारी वीडियोस बताऊंगा मैं आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।